निखर निखर सी जाती है। जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में भी इस दिन को आज मनाया जा रहा है और खूब तैयारियां, कल से हम देख रहे हैं कि खूब तैयारियां की गई हैं हमारे पास। आपने भी खूब तैयारी की हुई आज के इस दिन की मुनासबत से। जी हाँ, कुछ हमारा भी हिस्सा होना चाहिए ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो कम से कम हमें भी देखें और खुश हों हमें देखकर। बिल्कुल, इसके साथ साथ न सिर्फ हमें बल्कि हमारे साथी एंकर्स भी मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे। कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स हैं, कुछ खबरें हैं वैलेंटाइंस डे के हवाले से, तो किरण और अशफाक मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। और फरीद, और फरीद आप ऐसे भी लगे हैं कि आप अपने वैलेंटाइन के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर भी बहुत गहमा गहमी आप देख रहे हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और बाहर भी यहाँ तक पहुँचते भी काफी टाइम लग गया क्योंकि सड़कों पर भी बहुत ट्रैफिक है। जी हाँ नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है कराची के पार्क टावर्स में। आप देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग इकट्ठा है पार्क टावर्स में जो है वैलेंटाइन डे को मनाने के लिए, और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आज इस बात से हम वैलेंटाइन डे यहाँ पर सेलिब्रेट करें। ओवरऑल कराची में मनाया जा रहा है वैलेंटाइन डे, लोग रेड कपड़ों में मलबूस है, गुलाबों की खुशबुएं हैं, कार्ड्स बधाई दिए जा रहे हैं। अशफाक आप मुझे बताएं कि आपने वैलेंटाइन डे मना लिया है? जी बस यहाँ से फ्री होऊंगा, सुबह से ड्यूटी पर था, यहाँ से फ्री होऊंगा, उसके बाद फिर मनाने का कुछ सोचूंगा। ये बताइएगा कि आपके पास नाज़रीन के लिए, जो कि इस वक्त आज भी उसको ट्यून इन किए हुए हैं, आपके पास क्या खुशी है हमारे नाज़रीन? जी नाज़रीन, वैसे तो सुबह से ही आप हमारे बुलेटिन पे देखते आ रहे हैं, वैलेंटाइन डे के हवाले से काफी रिपोर्ट चल रही है, हमारे रिपोर्टर्स ने बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट बनाई है इस हवाले से। यहाँ पर अगर आज हम वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कतई ये मकसद नहीं है कि हम किसी को हर्ट करें, किसी की दिल आजारी करें, क्योंकि अशफाक हम रोजाना न्यूज करते हैं, न्यूज में इस किस्म की चीजें हमारे मुल्क में आ रही होती है जो कि जिससे लोगों के दिल जो है खराब हो रहे होते हैं। तो ऐसे हालात में हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा जो भी खुशी का मौका आए, थोड़ा सा ब्रीदर लेने का मौका मिल जाता है। और इसी दिन की मुनासबत से हमारी जो रिपोर्टर हैं अनम मशकूर, उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है, आइए आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत एक ऐसी खुशबू है जो अपने आप फैल जाती है, इसे किसी इजहार की जरूरत नहीं होती, मगर फिर भी मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बतों के इजहार के लिए सारा साल वैलेंटाइंस डे का इंतजार करते हैं और इस दिन को मनाने के लिए खुसूसी तैयारी करते हैं। कुछ मोहब्बत करने वाले वैलेंटाइंस डे पर खूबसूरत सुर्ख गुलाबों का इंतखाब करते हैं तो कुछ परफ्यूम्स की खुशबू का सहारा लेते हैं। बॉयज को देने के लिए आई गेस वॉचेज और रिस्ट वॉच हो गई, लाइक ट्राउजर्स, टी शर्ट्स एंड परफ्यूम्स। वैलेंटाइन डे एक बहुत ही अच्छा दिन है जिस दिन में आप अपने सारे दिल की सारी बात कह सकते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट्स दे सकते हैं, बेस्ट विशेस दे सकते हैं, और इस दिन को जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, मैंने अपनी सिस्टर के साथ गई हूँ शॉपिंग के लिए, और मैंने अपनी सिस्टर के लिए वैलेंटाइन डे के लिए बहुत सारे सरप्राइज है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन वो सरप्राइज है मेरे। वैलेंटाइंस डे पर तहाइफ की दुकानों पर मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी करते कुछ नौजवान मोहब्बत के इस दिन भी अपने बहन भाइयों और वालदैन को नहीं भूले। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है कि वैलेंटाइंस डे सिर्फ लवर्स के लिए, ये फ्रेंड्स भी बना सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी प्यार सबसे होता है, और मैं भी वो ही कर रही हूँ। आज मैं अपने पापा के लिए गिफ्ट खरीदने आई हूँ, किसी और के लिए नहीं। तो यहाँ पे ऐसे आता रहता हूँ, मतलब एंजॉय कर रहा हूँ, काफी लोग आए हुए होते हैं, और बाकी गर्लफ्रेंड के लिए तो कोई गिफ्ट देता ही नहीं हूँ। दुकानदारों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी फरवरी के पहले हफ्ते से ही उनकी दुकानों पर ग्राहकों का रश बढ़ गया है और उनकी खूब बिक्री हो रही है। वैलेंटाइन डे का मकसद माशरे से नफरत को खत्म करके मोहब्बत को फरोग देना है। अनम मशकूर, आज न्यूज़ कराची। जी नाज़रीन, अनम मशकूर की रिपोर्ट, आपने मुलाहिज़ा की काफी दिलचस्प रिपोर्ट अनम ने मुरतब की थी। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा अशफाक, हमने यहाँ पर देखा काफी सारे लोग तारीफ दे रहे, तो आप कुछ गिफ्ट लेकर आए मेरे लिए? जी, गिफ्ट की बात तो ये है कि आपका सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि आप जब यहाँ से जाएंगी, आराम करेंगी, तो नेक्स्ट डे आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, कल आपकी छुट्टी होगी। बहुत अच्छा गिफ्ट दिया आपने मुझे, कल मेरी छुट्टी का बता दिया। एनीवेज नाज़रीन, हमारी रिपोर्टर सुमैया हफीज आज ओल्ड होम गई थी, और वैलेंटाइन डे सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के लिए या लवर्स के लिए नहीं होता, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए होता है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और वैसे भी इंसानियत से मोहब्बत करनी चाहिए। हमारे रिपोर्टर सुमैया हफीज ओल्ड होम गई, जहाँ पर उन्होंने ऐसे लोगों से गुफ्तगू की जिनको उनके जिंदों ने छोड़ दिया, लेकिन वो आज तक अपने मरने वालों को याद करें। सुमैया हफीज की रिपोर्ट देखते हैं। ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। कराची का सेंट जोसेफ ओल्ड होम,
अपनों के मुंतजर बुजुर्गों की एक ऐसी जगह है जहाँ का हर वासी मुंतजर है अपनों के प्यार का, मोहब्बत की मुतलाशी निगाहें हर दिन इस उम्मीद पर ओल्ड हाउस के दरवाजे तक जाती हैं कि शायद कोई इनका अपना आए और इन्हें गले लगाए, लेकिन किसी को ना पाकर इनकी पुरनम निगाहें वापस लौट आती। वो जिंदगी के हर गुजरते दिन की तरह वैलेंटाइंस डे पर भी अपनों के मुंतजर। I miss my brothers, my sister who are in Canada. I miss my husband because he is not with me. I'm missing my husband very much because he's far away. He's no more. जब औलाद की देखभाल करने वाले, इन्हें पाल पोस कर बड़ा करने वाले, प्यार से ज्यादा प्यारे रिश्ते माँ और बाप को इस तरह कैदे तन्हाई में छोड़ दिया जाए तो यकीनन ये जिंदगी का इंतहाई भयानक रूप ही कहा जा सकता है। अब तो जवान हो गए, उनको जवान जब देखता हूँ ना टीवी वगैरह पे तो रोना आता है कि कब जाके उनको हक करेंगे, किस करेंगे, ये करेंगे। वैलेंटाइंस डे पर कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिन्होंने गैर होकर भी इन्हें याद रखा, कुछ वक्त इनके साथ गुजारा ताकि इनके दुखों का कुछ तो मजावा हो सके। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड किया जाए, इनके साथ एक अच्छा वक्त गुजारें तो इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होंगी वो हमारी सक्सेस होगी। ये दिन प्यार बांटने का है, जिन हाथों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया हो इनके बुढ़ापे का सहारा बनना भी हमारा फर्ज है। सुमैया हफीज, आज न्यूज कराची। नाज़रीन, सुमैया हफीज की आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की और किरण, सुमैया हफीज की रिपोर्ट जो उन्होंने तैयार की है वो हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी है, क्योंकि हालांकि अगर हम बात करें ओल्ड होम्स का तो ये कल्चर मगरबी ममालिक का है लेकिन हम पाकिस्तान में भी ये कल्चर परवान चढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं अशफाक आप। और जब मैंने भी आज लोगों को वैलेंटाइन डे विश किया, क्योंकि हर एक का अपना एक सिनेरियो होता है, अपना दिमाग होता है, तो बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत की, लेकिन आप देखें कि आज का दिन हम मोहब्बत बांटने का दिन मना रहे हैं। तो मोहब्बत वो अभी सिर्फ कुछ देर पहले भी मैंने ये बात की थी कि मोहब्बत आप सबसे करें, और मैंने भी आज सपोर्ट की, सबसे पहले अपनी मम्मी और सबसे पहले अपने बाबा को जो वैलेंटाइन डे विश किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जरूरी नहीं है कि आप अपना कोई महबूब ढूंढें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनको आप वक्त न होने के बायस टाइम नहीं दे पाते, तो आज का दिन ऐसा है कि आप उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, इसके अलावा दूसरे जो आपके बहन भाई है, दीगर लोग हैं, उनसे आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। वैलेंटाइन डे की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं जिंदा दिलाने लाहौर की, वो हर चीज मनाने में सबसे आगे होते हैं। इस हवाले से जिंदा दिलाने लाहौर का इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरह से वो वैलेंटाइन डे मना रही है, हमें बता रही है हमारी नुमाइंदा निगाह खुर्रम। जज्बे किसी सहारे के मोहताज नहीं होते, मगर मोहब्बत के इजहार का अंदाज खूबसूरत हो तो ताल्लुक हसीन और मजबूत तर हो जाता है। पाकिस्तान में नौजवानों में वैलेंटाइन डे मनाने का रुझान इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके लिए बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जाता है और बैरूनी ममालिक से खास तौर पर फूल मंगवाए जाते हैं, चॉकलेट्स और दीगर तहफ का तबादला किया जाता है। काफी मुख्तलिफ डेस्टिनेशन से आते हैं ग्लोबली, इसमें यूरोप से भी आते हैं, फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी आते हैं, फार ईस्ट से भी आते हैं। जो वैलेंटाइंस पे होता है वो ज्यादा आपने देखा भी होगा और लोग जानते भी हैं, गुलाब को जो है ना या रोज जो होता है उसको वैल्यू दी जाती है। वैलेंटाइन डे पर फूलों की अहमियत के साथ साथ इनकी कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हो जाता है। इस रोज गुल फरोशों की चांदी होती है। वैलेंटाइन डे से एक हफ्ता पहले ही चार गुना कीमत के इजाफे पर फूलों की बुकिंग शुरू हो जाती है। पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है वैलेंटाइंस डे और हर किसी का अपना अपना तरीका होता है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का, कोई फूल देके, कोई प्रेजेंट देके, कोई किसी तरीके से। जिस दिन आपको कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन लाइक आपके दिल को लगता है तो वही आपके लिए वैलेंटाइन डे होता है। बेसिकली हमारा कल्चर नहीं है वैलेंटाइंस डे, ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी हिस्ट्री ये है कि जिसको आप लव करते हैं ये डे उसके लिए है। वैलेंटाइन डे के मुखालफिन का कहना है कि ये मगरबी त्यौहार है जो पैसे की जिया के साथ साथ मौशरती बुराइयों को फरोग देता है। मगरिब की समाजी रिवायत को जहां मुखालफत का सामना है, वहीं वैलेंटाइन डे मनाने वालों का कहना है कि इस दिन महज कार्ड्स, फूलों और चॉकलेट से तहफ के तबादले के जरिए आपस में प्यार बांटा जाता है। निगार खुर्रम, आज न्यूज लाहौर।
अच्छा निगार खुर्रम ने लाहौर की सूरतहाल से किरण हमें आगाह किया, जिंदा दिलाने लाहौर जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि हर चीज में आगे आगे होते हैं और सख्त सर्दी भी है वहां पर, लेकिन इसके बावजूद वो मनाने में पेश पेश हैं। हम इस वक्त पाक टावर में किरण मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद हुए हैं और देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरती से पाक टावर को सजाया गया है। अच्छा, जब हम लोग एंट्रेंस से आए हैं अंदर की तरफ नाजरीन, तो वहाँ पर भी फूलों की खुशबू इतनी जबरदस्त थी अशबा कि हम चाह रहे थे कि वहीं पर ही रुक जाए। इस वक्त हमारे कैमरा नाजरीन आपको वो तमाम मनाजर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम बैल्कनीज में पाक टावर्स की लोग खड़े हुए हैं और आज वैलेंटाइन डे को भरपूर तरीके से तो मना ही रहे, लेकिन साथ साथ आज न्यूज की टीम और हम लोग खुद यहाँ पर मौजूद है, तो इसी बिना पर तमाम लोग हमें भी साथ जो है वो इंजॉय करें, लेकिन लड़कियों की बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर। और ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत रश है और बिल्कुल यहाँ पर जब हम पहुंचे थे तो उस वक्त भी ट्रैफिक जैम की सूरत हाल थी, और लेकिन बहरहाल जो अहम बात है वो ये है कि लोग खुशियां मनाने में मसरूफ हैं। अच्छा, साथ साथ नाजरीन आपको ये भी बताएं कि आज है वैलेंटाइन डे का दिन और वैलेंटाइन डे की थीम जो होती है वो रेड कलर होती है, तो आप देख सकते हैं हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है हर तरफ रेड व्हाइट एंड ब्लैक कलर जो है वो भरपूर तरीके से लगाया गया है, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों ने भी रेड एंड व्हाइट कलर पहना हुआ है। अच्छा अशफाक, मैं इस मौके पर एक शेर सुनाना चाहती हूँ नाजरीन, जो कि हमारे जो जिन्होंने स्क्रिप्ट हमारे लिखा है उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त सा शेर लिखा और वो ये है कि वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नजर तुम मेरा महबूब नजर तो देखो। जी, आपको भी यहाँ पर आकर शायरी आ गई है। वैसे मोहम्मद खालिद की हम नाजरीन रिपोर्ट शामिल करते हैं जिसमें वो बताएंगे कि वैलेंटाइन डे है जो सिर्फ मोहब्बत के इजहार का दिन नहीं होता बल्कि इसके साथ साथ इंसानियत के एहतराम का दर्ज भी देता है। आइए मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखते हैं। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी दुनिया भर में मोहब्बत के दिन के तौर पर मनाया जाता है। मगरिब से निकली ये तहजीब अब हमारे यहाँ भी आम हो रही है। मोहब्बत का दिन है, मोहब्बत का इजहार किया जाता है फूलों के जरिए, क्योंकि फूल जो है नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। बलूचिस्तान में अमन अमान की मखदूस सूरत हाल के सबब कोयटा का फूल बाजार वैलेंटाइन डे पर भी वीरान नजर आता है। मोहब्बत अमन और सलामती का पैगाम भी है। मोहब्बत को अगर हम बलूचिस्तान में फरोग देंगे भी तो उसे जरूरी नहीं है कि वैलेंटाइन डे को ही हम मनाएं, मोहब्बत हम किसी भी दिन में मना सकते हैं। कोयटा की मारूफ शायरा ने अपनी किताब मोहब्बत की तकरीब रोनमाई को वैलेंटाइन डे से मंसूब किया है और इस सिलसिले में कोयटा प्रेस क्लब में तकरीब भी मुनक्किद की गयी। मोहब्बत जीत है शायद जो अपनी हार पे भी शादमां सरशार रहती है, वो कहती है मोहब्बत एक हिकायत है कि जो हारा नहीं करती। नौजवान कहते हैं कि वैलेंटाइन डे की मुखालफत बिलावजा की जा रही है। मोहब्बत सिर्फ एक लड़के और लड़की के इश्क की दास्तान नहीं बल्कि सच्चे जज्बात की तर्जमानी का नाम है। ये जरूरी नहीं कि एक लड़का और एक लड़की ही इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसको दोस्तों में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम इसको अपने पेरेंट्स के साथ, हम अपनी सिस्टर अपने ब्रदर के साथ किसी भी हवाले से सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोयटा के मुफक्किरीन का कहना है कि मोहब्बत को आम करके हालात से डरे चेहरों पर रक्स करती उदासी को खत्म किया जा सकता है। आजकल का जिस तरह दौर है हर तरफ गम छाया हुआ है, तो एक ही दिन है उसको सेलिब्रेट करें, अच्छे से सेलिब्रेट करें, प्यार बांटें, प्यार लें। वैलेंटाइन डे के मौके पर नौजवान पुरजम है कि कोयटा के हालात एक बार फिर बेहतरी की तरफ लौट आएंगे, क्योंकि मायूस सिर्फ शैतान हुआ था खुदा की जात से, और यही वैलेंटाइन डे मनाने का असल मकसद होना चाहिए। मोहम्मद खालिद, आज न्यूज कोयटा। मोहम्मद खालिद की नाजरीन रिपोर्ट आपने मुलाहजा की, कोयटा से वो रिपोर्ट कर रहे थे। किरण, एक जो अहम चीज है यहाँ पर हम खड़े होकर अपने नाजरीन को तमाम खबरों से आगाह कर रहे हैं वैलेंटाइन डे की मुनासबत से, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है, स्टूडियो में हम लोग बैठे होते हैं, सुकून का माहौल होता है, एसी चल रहा होता है, साउंड प्रूफ इन्वायरमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल है कि धक्के भी लग रहे हैं, आपको मैनेज करना है, कोई आगे से ना गुजर जाए, लेकिन उसके साथ साथ रिपोर्ट भी अपने नाजरीन तक पहुंचा। बिल्कुल, और नाजरीन आपको साथ साथ ये भी बताएं कि यहाँ पर खड़े होकर हमें पता चल रहा है कि हमारे रिपोर्टर्स से क्या गुजरती है, और साथ साथ यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है कि हम अपने व्यूवर्स के साथ हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एक बात आपको बड़े मजे की बता दें वो ये कि आपने ये तमाम चीजें देखी कि कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तमाम जगह की हमने आपको रिपोर्ट बताई, लेकिन इसके साथ साथ वैलेंटाइन डे पर सरहद पार क्या हो रहा है इसके बारे में आपको बता दें, और बॉलीवुड अदाकार ने आज किसी से इजहार मोहब्बत कर डाला है, किससे इजहार मोहब्बत किया है आपको दिखाते हैं। शुरू कहां खत्म,
आज वैलेंटाइंस डे पर बॉलीवुड अदाकार इजहार मोहब्बत कर रहे हैं। इंडियन सिनेमा पर अब तक कई प्रेम कहानियां सामने आ चुकी हैं। मुगले आजम से लेकर जब वी मेट तक हमने कई लव स्टोरीज को देखा और पसंद किया है। इनमें से कई प्रेम कहानियों को हम उनके आगाज के लिए और कई कहानियों को उनके अंजाम के लिए आज तक याद करते हैं। लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर कई ऐसी लव स्टोरीज चमकी जो अपने आप में खास रही और इन कहानियों की सादगी ही उनकी खासियत रही। वैलेंटाइंस डे के मौके पर हम अगर माजी में नजर डालें तो अदाकार राज बब्बर और समीता पाटिल का नाम भी नजर आता है। इन दोनों की लव स्टोरी शादी पर खत्म हुई। अब उनके बेटे प्रतीक बब्बर जो आजकल एक के बाद एक फिल्मों में नजर आ रहे हैं बल्कि बहुत कम वक्त में शोहरत भी कमा चुके हैं, अपनी नई फिल्म एक दीवाना था जो जल्द ही सिनेमा की जीनत बनने वाली है, इसमें काम करने के दौरान शायद वो अपना दिल दे बैठे हैं इस फिल्म की ब्रिटिश हीरोइन एमी जैक्सन को, और आज यानी वैलेंटाइंस डे पर उनको लाल फूल देकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। दिल कश थी वो शाम पहले पहल जब के तुमसे मिली थी नजर, ऐसा चक्कर आया कि अकेले न जानू के जाऊं तो जाऊं। नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और जो सूरत हाल है वो आप तमाम तर देख रहे हैं। हम इस वक्त पार्क टावर्स में मौजूद हैं, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। फ्रेमिंग थोड़ी सी हमने चेंज करवाई है किरण, ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है और लोग किस तरह से अपना वैलेंटाइन डे मना रहे हैं और किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, हम आपको जरूर दिखाएंगे हमारे इर्द गिर्द भी क्या माहौल चल रहा है इस वक्त। अशफाक आप भी देख रहे हैं जबरदस्त किस्म के बलून यहाँ पर मौजूद है, लोगों ने रेड व्हाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन पहना हुआ है। साथ साथ जो है हमारी यंग जनरेशन मौजूद है जो इस वक्त भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे, वैलेंटाइन डे को मना रही है। और अशफाक ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हमारे मुल्क में हुए, इसके साथ साथ अगर आज जो है एक छोटा सा भी दिन मिला है तो लोग उसे भरपूर तरीके से बिल्कुल, और ये सबसे अच्छी बात है कि थोड़ा सा भी आपको वक्त मिले, जरा सा भी मौका मिले, आपको खुशियां मनानी चाहिए। और किरण, इससे पहले कि हम स्टूडियो वापस चलें, क्यों ना हम अहद करें कि हमारी अर्ज़े पाक ही जिसने हमें शनाख्त दी, जिसने हमें नाम दिया, वो हमारा वैलेंटाइन हो। क्योंकि वैलेंटाइन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा हमारा फरीजा है कि हम अपने मुमलिकत को अपना वैलेंटाइन समझें। बिल्कुल जी, जिस तरह से मैंने आपसे स्टार्टिंग में नाज़रीन बात की थी कि मैंने आज अपनी माँ को विश किया, अपने बाबा को विश किया और अपने कोलीग्स को विश किया, सबको वैलेंटाइन डे विश किया, तो हमारे पास जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम चीज होनी चाहिए वो है हमारी सरजमीन, वो है हमारा मुल्क। तो आज हम ये अहद करते हैं कि आज जितने भी गुलाब हैं, अगर आप एज्यूम्शन भी कर लें, एज्यूम भी कर लें अपने दिल में कि वो तमाम के तमाम सिर्फ गुलाब सिर्फ और सिर्फ हमारे पाकिस्तान के लिए हैं, तो ये भी हमारा एक भरपूर वाला वैलेंटाइन डे। जितने भी गुलाब हैं हम एक दूसरे को देते हैं, क्यों ना ये सारे गुलाब अपने पाक पर निछावर करें। ओवर टू यू जी फरीद एंड शाइस्ता। बिल्कुल अशफाक पाक और किरण शाइस्ता आपने देखा, लेकिन एक चीज से मैं जो हमेशा और इस चीज के ऊपर जोर देता भी हूं और देना भी चाहिए कि इस एक दिन के लिए सिर्फ मखसूस मोहब्बत को नहीं करना चाहिए।